अगर आप रोज़ रोज़ वही रोटी सब्जी खाने से बोर हो गए हैं तो आज की जो नाश्ता की रेसिपी है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही हल्की फुल्की रेसिपी है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आवर फूडी मोम, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त नितिका सिंह। तो चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले आप एक मिक्सर का जार ले लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कप के करीब गेहूँ का आटा लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और इसको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। और मिक्सर के जार में डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। और यहाँ पर दो हरी मिर्च मैंने डाल ली, तो इसको इस तरह से तोड़ देंगे आधा आधा। और फिर अब इसमें हम आधा कप के करीब इसमें पानी डालेंगे। अगर ज़रूरत होगा तो हम फिर बाद में फिर पानी डालेंगे, लेकिन अभी हमें आधा कप के करीब ही पानी डालना है। उसके बाद अब इसको ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद देखते हैं गाइस, ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से एक बड़ा सा मिक्सिंग बॉल लेना है और उसमें इस तरह से हमें डाल देना है। डालने के बाद ये देखिए गाइस, इस तरह से ये है, काफ़ी गाढ़ा है। अभी हमें क्या करना है कि उसी मिक्सर जार में हमें आधा कप के करीब और पानी लेना है और इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद ये जो इसको काफ़ी अच्छे से मिलाना है। ये जो रेसिपी है ना, बहुत ही हल्की फुल्की रेसिपी है। सुबह जब भी आपको डिफरेंट खाने का मन करे और कुछ टेस्टी सा अलग सा खाना खाने का मन करे तो आप इस तरह की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बस अब हमें क्या करना है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। और इसमें बिल्कुल भी कोई मसाला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा बस एक पिंच के करीब चिली फ्लेक्स डाला है ताकि थोड़ा सा अच्छा मतलब उसका तीखापन लगे। हमें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा ना डालें। और यहाँ पर मैंने खूब सारा यानी हरा धनिया डाला है और एक चम्मच के करीब यहाँ पर साबुत जीरा डाला है। इसी से जो साबुत जीरा है ना, इसकी मात्रा हमने ज़्यादा डाली है, इससे इसकी जो इसका जो टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा आता है। इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह से, इसका पतला सा घोल मैंने बनाया है, गाढ़ा नहीं बनाया है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है और उसको काफ़ी अच्छे से हीट कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम में। और ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पर ऑयल या घी ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हम एक करछुल भरकर हम इसको इस तरह से डोसे की तरह फैला देंगे। तो गाइस ये जो रेसिपी है ना, इतनी टेस्टी बनेगी ना, इसमें बिल्कुल भी आपको सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अचार सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहता है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। इसके बाद इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच निकालेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। और जो इसका स्वाद बनेगा ना, आप इतना डिफरेंट बनेगा ना, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इस तरह से ऑयल ग्रीस कर लेंगे और फिर इस तरह से अलट पलट करके काफ़ी अच्छे से सेक लेंगे और इस तरह से हम निकालेंगे। तो गाइस ये आप हस्बैंड को ऑफिस में भी दे सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में डाल सकते हैं, उनको बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत ही क्विक बनता है, इसमें रोटी इसमें सब्जी मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और फिर भी काफ़ी टेस्टी बनता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं सीधा से अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।